नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के निर्देशानुसार राज्य में संगठन को मजबूत व विस्तार करने के लिए कांग्रेस पार्टी अब अपने सभी मंत्रियों को जोली भेजेंगे। जनता से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, जिसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने बताया कि सरकार और जनता के बीच समन्वय बनाने को लेकर कांग्रेस प्रयासरत है। सभी मंत्री महीने के 6 जिलों का दौरा करेंगे और जन समस्याओं को दूर करेंगे। साथ ही प्रदेश कार्यालय में प्रत्येक शनिवार को जन सुनवाई भी होगी, जिसमें सभी मंत्री बारी बारी से प्रदेश कार्यालय में बैठेंगे। निर्देश के अनुसार हम मंत्रियों ने यह तय किए हैं कि हम लोग हर महीना में 6 जिला का दौरा एक एक मंत्री करेंगे सुविधा अनुसार। जैसे हम कल जा रहे हैं हजारीबाग, उसके बगल में दूसरा जगह जिला पड़ता है उस जिला में हम कर देंगे। चाहे कुटन में पड़ता है तो कुटन में जा सकते हैं, अगर इधर देखें तो रामगढ़ है तो रामगढ़। उसी तरह हम लोग नए कार्यक्रम तय करके और ये कार्यक्रम पहले तो हम जिला ऑफिस में जाएंगे, जिलाओं से जो हमारे नेता है कार्यकर्ता है और जनता की जो भी कमी है उस बात को जो रखेंगे उनको सारी चीजों का हम लोग नोट करेंगे और उसके बाद फिर दूसरा पाली में हम लोग जो हमारे संबंधित विभाग के पदाधिकारी जिलाधिकारी जो भी समस्या है उन लोग से उसका डिस्कशन करके उसका उसी भी समाधान करने की काम करेंगे। जो है जो कल आज जो गए हैं बादल जी उसके लिए मैसेज भी दिया गया है, कल हम लोग जाएंगे उसके लिए सब जगह अवगत करा दिया संगठन के लोगों को कर। वही भाषा विवाद पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने गोलमटोल जवाब देते हुए कहा कि हमने अपनी बात सरकार के सामने रख दी है। नहीं क्यों, हमने हर का अपना अपना तरीका होता है, हमने अपनी बात रखी है। हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई कहीं बोलेगा कोई कहीं बोलेगा। हमारे यहाँ जो बात बोली जाती है वो सरकार में बोली जाती है और सरकार में जो हमने कहना है वो हमारे मंत्रीगण बात कर रहे हैं। आप कर रहे हैं समर्थन कर रहे हैं इसका, भोजपुरी मांगी धनबाद में होनी चाहिए थी। देखिए चूंकि वहाँ धनबाद और बोकारो में जो भोजपुरी की बात कही गई है और मघी की बात कही गई है तो निश्चित रूप से जब भी सरकार कोई फैसला लेती है तो सभी लोगों से बातचीत करके लेती है। उसके बाद भी अगर वहाँ की भावना है जनभावना है कि ये ठीक नहीं हुआ तो निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी। आपने कांग्रेस की विधायक है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।